देश और दुनिया की हर खबर से जुड़े रहने के लिए वार्तालाप टीवी को अभी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अब हर खबर आपके फोन पर। खबर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से है। विधानसभा जखनिया 373 से बीजेपी प्रत्याशी रामराज वनवासी ने आज घर घर जाकर जनता का आशीर्वाद मांगा और विजय रथ को लक्ष्य की ओर जाने में जनता का समर्थन मांगा। रामराज वनवासी ने कहा कि अगर हमारी सरकार पूर्ण बहुमत से बनती है और जनता हमारे हाथों को मजबूत करती है तो हम वादा करते हैं कि सबका साथ और सबका विकास हमारा मूल मंत्र होगा। जनता का आशीर्वाद ही हमारे लिए संजीवनी बूटी है। आज योगी राज में जनता अपने आप को निर्विघ्न समझ रही है। हर योजना गरीबों तक पहुँच रही है। आज कोई गरीब भूखा नहीं सोता है। सबको राशन, तेल, चना मिल रहा है। रामराज ने बताया कि मनोज सिन्हा जी के राज्य में विकास घोड़े की तरह दौड़ रहा है, लेकिन उनकी हार के बाद जखनिया की बदहाल स्थिति हो गई है और जखनिया विकास से कोसों दूर हो गया है। अगर जनता हमारे हाथों को मजबूत करती है तो मेरा पहला लक्ष्य जखनिया का विकास ही होगा। इस मौके पर नीतू जायसवाल, अंशु सिंह, दुर्गेश सिंह, अजय राय, अशोक यादव, हिमांशु दुबे आदि लोग जनसंपर्क किए। सर, सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए सर। हाँ, धन्यवाद। मेरा नाम रामराज वनवासी है जी, और मैं ग्राम पोटना पोस्ट भीतरी जिला गाजीपुर का रहने वाला हूँ और जखनिया विधानसभा 373 का भाजपा का प्रत्याशी जी। अभी आप जो है, जो महासंग्राम चुनाव का चल रहा है सर, आप जो है डोर टू डोर जा रहे हैं, तो आपको जनता थ्रू कुछ आश्वासन मिल रहा है कि नहीं सर? हाँ, हम लोग डोर टू डोर भ्रमण कर रहे हैं और जगह जगह चौपाल भी लगा रहे हैं। जनता का प्यार और सहयोग बहुत मिल रहा है, इसलिए जनता को भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, बीजेपी का पहला मुद्दा सर विकास है, तो विकास के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे सर आप? हाँ, बीजेपी का विकास का मंत्र है सबका साथ सबका विकास, यह बहुत ही, और सबका विश्वास, ये भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्र है जी। आप जो है चुनाव में है इस समय रण में, अगर आप विजयी होते हैं तो आपका पहला मुद्दा और पहला मकसद क्या होगा सर, कुछ बताइएगा? हाँ, यदि मैं विजयी होता हूँ और जखनिया विधानसभा की जनता मुझसे आशीर्वाद दिया तो, और यह अधिकार दिया तो, जनता के लिए मैं अच्छा कार्य करूँगा, जनता की समस्या को दूर करूँगा। और यहाँ जो है जखनिया में अब तक बहुत कम विकास हुआ है, उसको पूरा करने के लिए प्रयास करूँगा और सबका साथ और सबके विकास और सबका विश्वास का जो मंत्र है इसको जनता तक पहुँचाने का प्रयास करूँगा जी। आप हमारे चैनल के माध्यम से क्षेत्रवासियों और ग्रामवासियों के लिए कुछ चुनाव के विषय में जो कुछ संदेश देना चाहेंगे सर? हाँ, जनता के लिए संदेश देते हैं कि यह जो है उनके लिए बहुत ही स्वर्णिम अवसर है, एक अच्छा कुशल विधायक चुनने का और एक कुशल प्रशासक चुनने का एक बहुत ही अच्छा मौका है। यदि इस मौका को यह जनता भुना लेती है तो हमारी प्रदेश में गवर्नमेंट बनेगी और केंद्र में गवर्नमेंट बनेगी, तो यहाँ जखनिया विधानसभा का बहुत ही अच्छा विकास होगा, क्योंकि यहाँ मनोज सिन्हा जब तक थे तब तक विकास हुआ और मनोज सिन्हा के जाने के बाद यह विकास की जो लड़ी है वो टूट गई है। तो जनता के लिए मैं यह कहना चाहता हूँ कि एक योग और सुयोग विधायक बनावे ताकि उसका विकास हो जी। बहुत बहुत धन्यवाद।